Hi guys, welcome back to the new video. I'm back with the latest update of Big Boss OTT Season 3 जो प्रीमियर हो चुका है 21 जून 2024 को जियो सिनेमा में. आप तो जानते हैं ना इस बार का क्राइटेरिया, आपको और मुझे फ्री को देखने को नहीं मिलेगा. 29 rupees का रिचार्ज कराना होगा पर मंथ, तब जाके आपको 24/7 देखने को मिलेगा बिग बॉस ओटीटी सीजन 3. तो यहाँ पे अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों को लेके पहुंच चुके हैं, यानी कि कृतिका मलिक और साथ ही साथ पायल मलिक. और यहाँ पे इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आई है देवोलीना भट्टाचार्य, जिन्होंने ये बोला कि मतलब ऐसे रियलिटी शो में दो बीवी के साथ आना, आप क्या चीज़ बताने चाह रहे हैं एनवायरनमेंट को, क्या चीज़ सोसाइटी में फैलाने मांग रहे हैं, या ये एक नंबर का डिस्कस्टिंग चीज़ है. आप अपने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखा रहे हैं कि दो या तीन या चार वाइफ रखना सही है. जी हाँ, आप सही करें. और अगर ऐसा लगता है कि दैट इज़ अ एंटरटेनमेंट, तो ये एंटरटेनमेंट नहीं है. आप दुनिया के सामने अपनी दो बीवियों को ला के क्या बताने मांग रहे. अब मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म, आप जब तक के लिए एक बीवी को यानी कि डिवोर्स नहीं करते, दूसरी बीवी आप पे लीगली नहीं है. बट यहाँ पे अरमान मलिक, तो मुझे ऐसा लगता है वो हिंदू ही है, बट उनके ऊपर शायद उनकी दूसरी बीवी यानी कि कृतिका मलिक नहीं है लीगली, अब पता नहीं. सो गाइस, अकॉर्डिंग टू UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत, आप एक बीवी के अलावा दूसरी बीवी को नहीं रख सकते जब तक के लिए आप अपनी पहली बीवी को डिवोर्स नहीं कर सकते इन द हिंदू धर्म. सो गाइज, ये था देवोलीना भट्टाचार्य का क्रिटिसाइज करना. हाँ, मैं इस चीज से सहमत हूँ. सो गाइज, आप कितने हद तक है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. गाइज, वी ऑडियंस वांट ओनली एंटरटेनमेंट. अब वो दो बीवी से आए या चार बीवी से, की फर्क पहनता है. अब यहाँ पे हाँ, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के हिसाब से देवोलीना भट्टाचार्य ने कहीं कहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही रखा, और वो हमेशा ही सही रखती है. सो गाइज, हाउ मच यू लाइक द वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.